देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड जल रहा है। ये झलकियां जो आप देख रहे हैं ये उस हिंसा की झलकी है जो बीती शाम अचानक भड़क उठी। कहीं जली हुई गाड़ियों का ढेर है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। 8 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद हल्द्वानी के बनभोलपुरा में हिंसा भड़क उठी। लोग बेकाबू हो गए जिसके बाद नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ने बनभोलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में बनभोलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी, तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलाहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं है वो भी मौके पर पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहां थे और स्थिति का जायजा लिया गया और अभी फिलहाल स्थिति वहां पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं उनको वहां स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फिलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहां तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने एएनआई के साथ बातचीत में बताया कि हल्द्वानी के बनभोलपुरा में हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल।